Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewer, this is Hasnain Ali and you are watching my YouTube channel, Our Journey. नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बताने वाला हूँ. पेशावर का एक ओनहार जिसे कहते हैं, एक बाशिंदा है ख़ुद भी, वो माशाल्लाह उसकी आप हिस्ट्री भी जानेंगे और मैंने जो पीछे बैकग्राउंड में चीज़ें पढ़ी उससे आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो वीडियो है वो किस हवाले से होने वाली है. जी नाज़रीन, आज मैं आपको वीडियो जो बताने वाला हूँ वो है पेशावर का ट्रेडिशनल ट्रक आर्ट. जो आपने जो हमारी जो बसेस थी, जो बाड़े की बसें जो बहुत फेमस बसें हैं, उन पे जो ट्रक आर्ट हुआ करता था, कोई उस पे कोई चिड़िया बनी होती थी या कोई खैबर बना होता था या मीनार पाकिस्तान की कोई तस्वीर वगैरह, और जिस तरीके से वो पेंटर बनाते हैं, आज मैं आपको पेशावर के मारूफ पेंटर जो कि इस टाइम पेशावर के एक जाने माने पेंटर बन चुके हैं ट्रक आर्ट के हवाले से, उनका नाम भी हम जानेंगे और उनका ये जो ट्रक आर्ट का जो ये फ़न है, ये एक बड़ा तारीखी फ़न है. इसको जो बाहर के ममालिक हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि हमारे जो यूरोप्स कंट्री हैं, हमारे जो यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ये जितने भी हमारी कंट्रीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा ये मुतासिर कुन ये चीज़ है. तो आए आज हम जानते हैं और आपको मिलाता हूँ ट्रक आर्ट के मास्टर इस्माइल से. अस्सलाम वालेकुम इस्माइल भाई. शुक्र अल्लाह का. इस्माइल भाई, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह का फजल है, आपकी दुआएं. आप कैसे हो? ठीक हो जी. शुक्र. पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिज़ी टाइम से हमें वक्त दिया अपना. इतना स्केजुअल आपका बिज़ी स्केजुअल है, आप आजकल इंटरव्यूज़ वगैरह में बिज़ी हैं, तो आप मुझे इस हवाले से बताएं कि इसके अलावा, आप ट्रक आर्ट के अलावा आपका क्या बिज़नेस है? आपका ऐसा कोई, आप जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है? नहीं, पिछले 20-22 साल से मैं ट्रक आर्ट का काम करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन मेरी मैट्रिक तक एजुकेशन है. हालात ऐसी थी कि हम और एजुकेशन नहीं कर सकते थे, तो फिर मेरे चाचू था शेर मोहम्मद, वो ये ट्रकों पर, बसों पर, रिक्शों पर ये ट्रक आर्ट का काम करता था और मुझे बहुत पसंद था. तो फिर मैंने चाचू से कहा कि मुझे ये अपना जो ट्रक आर्ट है यही काम सिखा दो. जो चाचू ने मुझे ये ट्रक आर्ट का काम सिखा दिया, तो फिर काम वाम ख़राब हुआ तो भाग दौड़ इधर भाग दौड़ लगाई, तो क्लास 4 की जॉब मिल गई पेशावर म्यूज़ियम में. तो पिछले साल लॉकडाउन में मेरे जहन में एक आइडिया आया, क्यों ना ऐसे एंटीक सामान पर, बर्तनों पर, प्यालियों पर, चैनकों पर ये ट्रक आर्ट का काम करूँ. जब मैंने इस चैनकों, प्यालियों पर ये ट्रक आर्ट का काम किया तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया. पहले तो मैंने इधर डॉक्टर अब्दुल समद है जो डायरेक्टर आर्कियालोजी एंड म्यूज़ियम है, हमारा DG भी है, इनको दिया, तो इसने मेरे बहुत हौसला अफजाई किए. इसने फिर चैन एम्बेसडर को गिफ्ट किए. अच्छा. फिर सेक्रेटरी साहब था स्पोर्ट्स कल्चर टूरिज्म आर्कियालोजी एंड म्यूज़ियम आबिद मजीद साहब, उसने मेरा बहुत हौसला अफजाई किया, उसने कनाडा एम्बेसडर को गिफ्ट किया है. फिर मेरे हाथ के बनाए हुए चीज़ मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नरों को मैंने अपने हाथ से दिया है. डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी आमिर अकीक साहब था, उसने मुझे बुलाया सोशल मीडिया के ज़रिए, उसको पता लग गया, तो फिर उसने मुझे रावलपिंडी बुलाया और मुझसे कुछ ये चैनक में निकले, मुझे अवार्ड भी दिया, ये अवार्ड उसने मुझे दिया है, और उसने मुझे कहा मेरे लिए कुछ सेट बना दो. इसी हवाले से फिर वो डिप्टी कमिश्नर पेशावर को भी मैंने अपने फ़न जो है वो पेश किया है. फिर कमिश्नर पेशावर रियाज खान महसूद उनको भी दिया है, DC खैबर को भी दिया है, मुख्तलिफ चैनलों को भी मैंने इंटरव्यू दिया है. लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत से अपील करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि ये ट्रक आर्ट है ये दिन ब दिन मरता है. मैं कहता हूँ कि ये काम ज़िंदा रहे और ये काम मैं औरों को सिखाऊँ. हुकूमत को चाहिए कि एक एकेडमी खोले ताकि ये हुनर ज़िंदा रहे और इस काम से नौजवान भी फ़ायदा उठा ले, और ये हमारी कल्चर है, हमारी पख्तून सकाफत है, हमारी कल्चर है. मैं कहता हूँ कि यह काम ज़िंदा रहे. सही. आपने इस्माइल की बातें सुनी, बड़ी पेचीदा और बड़ी पॉइंटेड गुफ्तगू इस्माइल ने की है. इस हवाले से मैं आपको इनके जो इनको अवार्ड दिए गए हैं, ये देखें, इनका एक ये अवार्ड पड़ा हुआ है, ये इनको आमिर अकीक खान ने दिया है जो है डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, प्रेजेंटेड टू मिस्टर इस्माइल ट्रक आर्टिस्ट. ये अब पेशावर के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के जाने माने ट्रक आर्टिस्ट बनने वाले हैं, बाकायदा बन चुके हैं. आपको मैं इनका ये आर्ट बताऊं, ये चैनक ये देख सकते हैं आप किस तरह इन्होंने इस पर गुलकारी की हुई है. ये देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये चैनक को बनाया हुआ है, और इसमें जो आपको मैं सादी चैनक भी बताऊँगा कि इन्होंने किस तरह डेकोरेट करके इसको बना. देखिए, खैबर पख्तूनख्वा ऊपर जो है, खैबर पास वो भी इन्होंने ऊपर बनाया है, तो माशाल्लाह बहुत इनके हाथ में सफाई है, बहुत ज़बरदस्त ये काम करते हैं. और मैं आपको अभी बताता हूँ इनका जो पीछे जो इनके पड़े हैं, एक मिनट में उठ जाता हूँ. ये देखें, इन्होंने ये बनाया हुआ है,
اس پہ بھی گلکاری کی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک یہ چیز بنائی ہے جو چائنا پاکستان یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فرینڈشپ کے اس پہ انہوں نے بنائی تھی یہ دیکھیں ناظرین جو پشاور کا ٹریڈیشن ہے جو قہوے خانے میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک چینک ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ فور یا تھری پیسز میں یہ چھوٹی پیالیاں ہوتی ہیں اور نیچے یہ اس طرح کا ٹرے ہوتا ہے تو جو مین جو ان ساری چیزوں کا نچوڑ ہے وہ یہ ہے اس طرح کا یہ پورا ایک سیٹ ہے جو یہ بیچتے ہیں آپ یہ مطلب یہ پورا سیٹ ہے اسماعیل بھائی تو یہ اس کی قیمت کیا ہے آپ کتنے میں یہ فروخت کرتے ہیں یہ پہلے ہم 2600 روپے پر دیتے تھے ابھی 2600 روپے پر اب بھی مہنگائی ہوئی ہے سامان مہنگا ہوا ہے تو ہم یہ 3000 روپے پہ ایک سیٹ دیتے ہیں جس میں ایک چینک ہوتی ہے چھ پیالیاں ہوتی ہیں ایک ٹرے ہوتا ہے اچھا مطلب اب اس پورے سیٹ کی قیمت ہے 3000 روپے اور اگر آپ سے کوئی یہ خریدنا چاہے یہ اس کی کیا پرائز ہوگی یہ ایک ٹرے کی یہ خالی ٹرے ہم دیتے 600 روپے پر یہ دیتے ہیں 1500 روپے پر 150 روپے کا ایک پیالی ہوتا ہے اور اسماعیل بھائی یہ جو آپ کو یہ چینک اگلا بندہ مہیا کرتا ہے مطلب وہ لا کے دیتا ہے کہ آپ یہ چینک بھی خود خریدتے ہیں نہیں نہیں یہ چینک میں خود خریدتا ہوں سب سامان میرا ہوتا ہے میں یہ مٹیریل بھی لاتا ہوں رنگ بھی لاتا ہوں اس میں میرے مزدوری بھی ہوتا ہے میں ان کو تیار چیز دیتا ہوں صحیح تو ویورز آپ نے دیکھا ان کے آپ کو میں نے ریٹس بھی بتائے اگر کسی کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں ہم ان کا نمبر بھی ضرور ڈالیں گے اور یہ دیکھیں انہوں نے کتنے زبردست آرٹ کیا ہوا ہے تو آج میرا ارادہ تھا کہ میں آپ لوگوں کو ایسی ایک ویڈیو بتاؤں کہ جو کہ پشاور کو بھی اجاگر کرے اور پشاور کا یہ ٹریڈیشن ہے مین ٹریڈیشن جو پشاور کا ہے وہ یہ ٹرک آرٹ ہے تو آج کی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں حسنین علی کو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات کریں گے اور ایک بار پھر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات کریں گے اللہ نگہبان